नमस्कार, मैं बिन्नी। आज हम लोगों को नवरात्र का हवन करना है और साथ में वारी कन्याओं का पूजन भी करना है। तो आप लोग मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए अब हम लोग क्या क्या बना रहे हैं हवन पूजन के लिए आप लोग को दिखा रहे हैं। अब लास्ट आज का पूजा हो गया है दुर्गा जी का। अब पंडित जी आएंगे तो फिर हम लोग का हवन होगा। तब तक के लिए हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं जल्दी जल्दी में। यहाँ पर खीर बनाया जा रहा है। ये गोइठा पर, यानी गोबर का जो गोइठा बनाया जाता है, उसी पर खीर बनाया जा रहा है बिना शक्कर के, क्योंकि यही खीर अग्नि महाराज को चढ़ाया जाता है, खिलाया जाता है जब हवन हो जाता है। तो हवन सामग्री यहाँ पर खरीद कर रखा गया है। तो सब धीरे धीरे सरियाया जा रहा है। एक तरफ अग्नि महाराज के लिए खीर बन रहा है और दूसरे तरफ कुंवारी कन्याओं को खिलाने के लिए खीर बन रहा है। तो उधर हम खीर बना रहे हैं, तो आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए उधर। तो इधर बाहर चूल्हा निकाल करके बनाया जा रहा है, क्योंकि अंदर में पूजा हो रहा है। तो इधर खीर बना रहे हैं और एक तरफ अपने किचन में हम और लोगों को खाने के लिए सब्जी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तब इधर भी हम लोग को आप लोग को दिखा रहे हैं। हम दोनों आदमी नवरात्रा किए हैं और तो दोनों आदमी को पूजा करना है। दोनों आदमी हम लोग खाना में लगे हुए हैं, बनाना है तो बना रहे हैं। तो विधवर आप हम अपने किचन में आप लोग को लेकर चल रहे हैं। तो इधर हम चना का दाल रखे हुए हैं, फ्राई चना दाल बनाना है। अंधेरा दिख रहा है, थोड़ा इधर का नज़ारा भी है। मौसम बहुत अच्छा है, एकदम बारिश हुई है और आप लोग देख सकते हैं हवा का कितना सुंदर इस समय मौसम है। गर्मी के नाम निशान नहीं है, एकदम हम आराम से यहाँ बैठे हैं। हम लोग का खाना बन रहा है। एक यहाँ फूल के लिए छोटा सा गमला तैयार किया गया है, तो नाद जैसा छोटा सा बनाया गया है। पंडित जी आ गए हैं, सभी चीज़ तैयार हो गया है हवन के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं सब कोई बैठने हवन करने के लिए। आप देख सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हवन वाला हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो ये उनके बेटा है आदर्श सप्ता के, और एक तरफ हम लोग बैठेंगे और मेरे हस्बैंड, और इसके बाद से हवन करना है। तो अभी इसके बाद वाला वीडियो नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब हम लोग हवन कर लिए हैं, पंडित जी भी चले गए हैं। तो अब इसके बाद से अभी कन्या लोग को खाना खिलाया जा रहा है। तो पहले इन लोगों का श्रृंगार किया जा रहा है, कन्याओं का पैर और धोल दिए हम लोग और सबको बैठा दिए हैं। तब धीरे धीरे सभी अभी कन्याओं का हाथ पैर रंगा रहा है। तो पहले श्रृंगार किया जाएगा और उसके बाद इन लोगों को खाना खिलाया जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं दोनों तरफ से हम दोनों आदमी सबका हाथ और पैर रंग रहे हैं। सभी कन्याओं का श्रृंगार हो गया है। इधर भैरव बाबा बैठे हुए हैं, तो भैरव बाबा का अलग बैठाया गया है, तो इनका भी अलग से श्रृंगार किया जा रहा है। खाना दिलाया, अब सबका खाना परोसा रहा है सभी कन्याओं को। आप लोग देख सकते हैं पूड़ी और खीर दिया जा रहा है।
यहाँ तानिया आंख बंद करके खड़ी है, नहीं खाएंगे, मुंह छुपा रही है उधर। अब सभी कन्याओं को खाना खिला दिया गया। अब इन लोगों को रुमाल दे करके, उसमें फ्रूट फल दे करके और पैसा दे करके अब हम लोग आशीर्वाद लेंगे, तो अब उसके बाद इन लोगों को विदाई किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सभी बच्चे आशीर्वाद दे रहे हैं हम लोगों को, जैसे पैर छुआ जा रहा है उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद फिर अब घर के लोगों को खाना खिला करके हम लोगों को खाना खाना है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग घर में सब किसी को खाना खिला दिए हैं। अब ये हम लोग का खाना, अब मेरा नवरात्र का आज पारण हो रहा है, तो मेरे पारण में देख सकते हैं आप लोग क्या क्या हम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे है पनीर, ये है पुलाव, पूड़ी, पनीर, नेनुआ की सब्जी है, और ऊपर है आलू चना का सब्जी, खीर, चना फ्राई दाल, और उसके बाद से मिर्ची है भुना हुआ। तो दोस्तों आज के पारण में आप लोग भी आमंत्रित हैं, अब आएँ आप लोग भी टेस्ट करें इसको। कमेंट द्वारा बताएं कि कैसा बना है हम लोग का खाना। अगर मेरा खाना आप लोग को पसंद आ रहा हो तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं जिससे दूसरा नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। और मेरे चैनल पर जो नए फ्रेंड आए हुए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास मेरा जितना भी वीडियो होगा वो सब आप लोगों के पास पहुंचेगा। फिर आप लोग देख करके हमें बताएं कि कैसा मेरा वीडियो तैयार हो रहा है। तब तक के लिए थैंक यू।